वालेकुम क्लास वन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना काम जो है दिल लगा कर नीट हैंड राइटिंग में कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, मैं ग्रामर स्किल्स का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो क्या नाम था उसका? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 20 सॉल्व करेंगे ऑन पेज नंबर 30। सो जल्दी से प्यारे बच्चे अपना ग्रामर स्किल्स की बुक निकालें, पेज नंबर 30 निकालें और आज की डेट ऊपर मेंशन करें। आज डेट है 7/5/21। ठीक है, देखते हैं कि इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है। रीड व्हाट फ्रॉग एंड रैबिट सेज। वो कहते हैं रीड करें क्या फ्रॉग और रैबिट क्या कह रहे हैं, देन राइट द नाउन दैट बिलोंग टू देयर लिस्ट। और फिर आपने इन वर्ड्स को उनकी रिस्पेक्टिव लिस्ट में लिखना है। मतलब कि देखते हैं फ्रॉग हमें क्या बता रहे हैं। आई कैन ऐड एन एस टू मेक दीज नाउन्स प्लूरल। वो कहता है कि मैं इन नाउन के साथ एस लगाकर इनको प्लूरल बना सकता हूँ। ठीक है, लेकिन रैबिट कहता है आई कांट ऐड एन एस टू दीज नाउन, आई कांट मेक दैम प्लूरल। लेकिन मैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ एस लगाकर उन्हें प्लूरल नहीं बना सकता। यानी कि काउंटेबल नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं लेकिन अनकाउंटेबल को नहीं बना सकते। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था ना, ऐसी सारी चीज़ें जिनको हम गिन सकते हैं उनको हम कहते हैं काउंटेबल नाउन, और ऐसी चीज़ें जिनको हम गिन नहीं सकते उनको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। चलिए, यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, देखते हैं कि ये अगर तो ये काउंटेबल हुए तो हम इनको काउंटेबल नाउन में लिख देंगे, अगर तो ये अनकाउंटेबल हुए तो हम इनको कहाँ लिख देंगे? अनकाउंटेबल में। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले अपने हाथ में एक लेड पेंसिल पकड़ेंगे। ठीक है, तो जो अब ऑब्जेक्ट हमारी काउंटेबल होगी हम उस पर सी लिख देते हैं, और जो हमारी अनकाउंटेबल होगी यानी जिसको हम नहीं गिन सकते होंगे उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे? यू सी लिख देंगे। ठीक है, पहली है बुक यानी कि किताब। तो बुक को हम काउंट कर सकते हैं ना, हमारे पास कितनी बुक हैं, इट्स मीन बुक क्या है? काउंटेबल नाउन। तो इस पर हमने क्या लिख देना है? सी लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मिल्क। मिल्क किसे कहते हैं? दूध को। स्टूडेंट, दूध को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट्स मीन हमने इस पे क्या लिख देना है? यू सी लिख देना है। उसके बाद है एयर, हवा। हवा को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट्स मीन इसके ऊपर भी हमने क्या लिखना है? यू सी। उसके बाद है शू यानी कि जूता। तो शू को हम काउंट कर सकते हैं ना स्टूडेंट? तो ये हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन। इस पर हम क्या लिख देंगे? सी। फिर है ग्रास। ग्रास कहते हैं घास को। घास को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इट्स मीन ये क्या है? अनकाउंटेबल। उसके बाद वाटर है। वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। फिर है कार यानी कि गाड़ी। तो कार को हम काउंट कर सकते हैं ना बच्चों? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? काउंटेबल। नेक्स्ट है सैंड। सैंड कहते हैं रेत को। क्या रेत को हम काउंट कर सकते हैं कि रेत में कितने पार्टिकल्स, कितने ज़र्रे होते हैं? नहीं कर सकते ना। तो ये सैंड हमारा क्या है? अनकाउंटेबल। उसके बाद है गोल्ड। गोल्ड कहते हैं सोने को। तो सोने को हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना स्टूडेंट। तो गोल्ड पे हमने क्या लिख देना है? अनकाउंट। उसके बाद टेबल है। टेबल हम काउंट कर सकते हैं। इसी तरीके से बारिश है। बारिश को काउंट कर सकते हैं हम कि बारिश में कितने कतरे हैं? नहीं कर सकते। तो ये हमारा क्या है? अनकाउंट। उसके बाद केक। केक को हम काउंट कर सकते हैं? यस। तो ये क्या है हमारा? काउंटेबल। उसके बाद है स्नो। स्नो कहते हैं बर्फ़ को। क्या बर्फ़ को हम काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। इट्स मीन ये हमारा क्या है? अनकाउंट। उसके बाद जू है। चिड़ियाघर। चिड़ियाघर को हम काउंट कर सकते हैं ना? किसी इलाके में कितने चिड़ियाघर हैं, जू हैं? इट्स मीन ये हमारा क्या है? काउंटेबल। उसके बाद हैन यानी कि मुर्गी। मुर्गियों को हम काउंट कर सकते हैं ना? कितनी मुर्गियाँ? इट्स मीन हैन क्या है हमारा? काउंटेबल नाउन। उसके बाद लास्ट वर्ड हमारा ऑयल। ऑयल कहते हैं तेल को। ऑयल को हम काउंट ना कर सकते, उसमें कितने ड्रॉप्स हैं? इट्स मीन ऑयल हमारा क्या है? अनकाउंट नाउन है। ठीक है, अब देख लें, हमने सारी ऑब्जेक्ट्स पे सी और यू सी लिख दिया है। सी का मतलब है काउंटेबल नाउन। तो जिन जिन ऑब्जेक्ट पे हमने सी लिखा है उनको हमने काउंटेबल नाउन में लिख देना है, और जिन जिन ऑब्जेक्ट पे हमने यू सी लिखा है उनको हमने कहाँ पे लिख देना है? अनकाउंटेबल नाउन में। जैसे कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट देखिए हमारी बुक है, तो बुक क्या है हमारी? काउंटेबल नाउन। तो बुक को हमने कहाँ पे लिख देना है? काउंटेबल नाउन में। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं काउंटेबल नाउन हमारे पास क्या है। शू, अब यहाँ पे लिख देंगे हम शू, एस एच ओ ई, शू। उसके बाद नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है कार। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? सी ए आर, कार। कार के बाद नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमारे पास काउंटेबल नाउन है। टेबल और केक। तो टेबल और केक दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर लिख देंगे, टेबल और केक, सी ए के ई, केक।
ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास जू और हैन. सो जू को और हैन को भी हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों हम काउंट कर सकते हैं. हैन के बाद है फ्लावर, फ्लावर को भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है. तो फ्लावर को हमने यहाँ पे लिख देना है. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डोर, डोर कहते हैं दरवाजे को, दरवाजे को भी हम काउंट कर सकते हैं ना स्टूडेंट, और नट्स को भी हम काउंट कर सकते हैं. तो डोर और नट दोनों चीज़ें जो हैं वो हम कहाँ लिख देंगे, काउंटेबल नाउन में, ठीक है. तो अब जो बाकी रह गई वो हमारी अनकाउंटेबल चीज़ें हैं, तो उन सबको हमने कहाँ लिख देना है, अनकाउंटेबल नाउन में. सो स्टूडेंट्स, मैंने अनकाउंटेबल नाउन भी यहाँ पे लिख लिए हैं, मिल्क, एयर, ग्रास, वाटर, सैंड, गोल्ड, रेन, ऑयल, मनी एंड स्नो. सो आपने भी इस तरीके से देखना है कि ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हैं उनको काउंटेबल में लिख देना है, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते उन्हें हमने कहाँ लिख देना है, अनकाउंटेबल में. आई होप लास्ट वन आपको इस एक्सरसाइज की समझ आ गई होगी. आसान है ना बहुत जी. आपने इसको ग्रामर स्किल्स पे अच्छे तरीके से सॉल्व करना है और इसको याद भी करें, और देखिए आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट कर सकते हो, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, ठीक है. आप अपनी रफ बुक पे भी उनकी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है. चलें, आज का हमारा जो काम है वो यहाँ पे वाइंड अप होता है. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे. तब तक प्यारे बच्चों, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है. स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़.